जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में आईपीएल 2021 का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है उसी फाइनल मुकाबले के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और कोलकाता के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में कोलकाता के कप्तान ओयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर आज आईपीएल के 14वें सीजन के फाइनल मैच के लिए सीएसके ने अपनी प्लेइंग 11 टीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था। तो वहीं दिल्ली के खिलाफ पहले क्वालिफायर मैच में जिस टीम के साथ उतरी थी उसी टीम के साथ फाइनल में भी आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उतरी। और वहीं बात करें अगर केकेआर की टीम की तो केकेआर भी दिल्ली के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में जिस प्लेइंग 11 टीम के साथ मैदान पर उतरी थी उसी कॉम्बिनेशन के साथ सीएसके के खिलाफ उतरी, जहां पर आज किसी भी तरह का बदलाव कोई भी देखने के लिए नहीं मिला। जहां पर एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा को टीम में शामिल किया गया चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और वहीं केकेआर की टीम में शाकिब अल हसन और सुनील नलिन, लोकी फर्गुसन, शिवम मावीन नजर आए और इन्हीं प्लेइंग 11 टीमों के साथ आज मैदान पर ये दोनों ही उतरे। तो वहीं दोस्तों आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस आए तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को स्वाद चखा दिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ जहां एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए तो वहीं दूसरे छोर पर फाफ डू प्लेसिस सुलझूझ भरी पारी खेल लेते। और ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 5 ओवर तक 40 रनों का आंकड़ा पार कर दिया। 8 ओवर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी तो पूरी करी ही और साथ के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के स्कोर को 61 रन के पार पहुंचाया। जहां पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज इन दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान अलग ही लेवल का देखने के लिए मिला और इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज यहां पर अच्छी शुरुआत कर पाई, क्योंकि यहां पर जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने पारी को संभाला और सूझबूझ भरी पारी खेली काबिले तारीफ है। और वहीं दोस्तों फिर आगे जब 9वां ओवर डालने के लिए सुनील नारायण को कप्तान ओयन मॉर्गन ने बुलाया तो उन्होंने पहली बड़ी सफलता केकेआर की टीम को दिलाई, जहां पर सुनील नारायण ने शिवम मावी के हाथों ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करवाया और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जहां पर 32 रन की पारी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 चौके और 1 बड़ा छक्का लगाया था। और वहीं दोस्तों अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ जब पवेलियन लौटे तो उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रॉबिन उथप्पा, जहां पर फाफ डू प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई। जी हां दोस्तों, यहां पर फाफ डू प्लेसिस ने ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर अपना आक्रामक रूप दिखाया, जहां पर वो चौके और छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए और इसी के साथ मात्र उन्होंने अपनी 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने अर्धशतक के दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 बड़े छक्के जड़े। और वहीं उनका दूसरी तरफ साथ देते हुए नजर आए रॉबिन उथप्पा, जहां पर रॉबिन उथप्पा ने भी फाफ डू प्लेसिस का बखूबी साथ निभाया। और बाकी आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि कौन कितने रनों पर अभी लाइव खेल रहा है। और ऐसे में आपकी क्या राय है चेन्नई सुपर किंग की शानदार बल्लेबाजी के बारे में और आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।